हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य कर्मवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर आज आपके सामने फिर से एक नए विषय या नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने और आयुर्वेद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस डिजीज के बारे में आपको बताने आया हूँ। जैसे आपको सबको पता है, हमें ऑलरेडी 131 इयर्स हो चुके हैं। मैं अपनी फोर्थ जनरेशन से हूँ जो एक ही फैमिली की आयुर्वेद के सर्व कर रही है आपकी सोसाइटी में। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली बहुत सारी कॉल्स या बहुत सारे कमेंट्स हमें यूट्यूब पे हमारे फेसबुक चैनल पे आते हैं, वो फीमेल्स के होते हैं जो आजकल बहुत ही ये बीमारी, मैं कह सकता हूँ कि अगर हम एक रेशो निकालें तो 10 में से 4 फीमेल्स इसको ज़रूर अपनी एक लाइफ स्पैन में महसूस करती हैं या इससे निकलती हैं। उस डिजीज़ का नाम है PCOD। PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। आप ये चीज़ जो भी मेरे दर्शक हैं जो ये सुन रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें और जो मैं मैसेज आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मैं उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि वो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक हो और आपकी इस डिजीज़ को वो प्रॉपरली क्योर करने में आपके सहायक हो। तो मैं PCOD के बारे में आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो PCOD आजकल क्यों ज़्यादा है, हम इसकी पहले बात करते हैं। उसका बहुत ही बड़ा रीज़न है हमारा अपना लाइफस्टाइल। देखिए, ये समस्या पहले अगर आज तुलना करें तो पहले की और आज के समय में तो आजकल ये ज़्यादा बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण हमारा आहार और विहार, मतलब लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स हैं, जो हम जंक फूड या पैक्ड फूड या चीज़ी ग्रीजी फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करने लग गए, उससे हमारी ये प्रॉब्लम, ये समस्या बढ़ती है और उस कारण से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और जो एक आपका साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुदरती साइकिल जो डिस्टर्ब होने के कारण आपके अंदर बॉडी में बहुत सारी चेंजेस शुरू हो जाती हैं, जिसमें मुख्य चेंजेस आपके फेशियल हेयर्स, मूड स्विंग्स होना, वेट का थोड़ा सा बढ़ना या ग्रेजुअली बढ़ते रहना, उसके साथ साथ आपको बॉडी में आलस्य मतलब लथार्जी आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो आपकी PCOD के साथ जुड़ी हुई हैं और PCOD आगे भी आप जब मतलब अगर आप ये साइकिल आपका 2 महीने बाद या 3 महीने डिस्टर्ब रहता है, या मैं सुनता हूँ फीमेल्स की जो हमारे पास आते हैं या उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी जब हिस्ट्री लेते हैं साइकिल्स की, तो उसमें वो अपना कंप्लेंट करती हैं कि देखिए मुझे 3 से 4 महीने हो गए अभी तक साइकिल नहीं आया, या डॉक्टर साहब जो हमारा साइकिल है, मेरा साइकिल है वो अब बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया, पहले 10 दिन कभी ऊपर कभी नीचे। उस कारण से हमें ये इंडिकेशन मिलती है बॉडी के द्वारा, हमें उसी वक्त उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वो एक बड़ा रूप लेती है तो वो PCOD का फॉर्म धारण कर लेती है और PCOD हमारे बाकी फैमिली प्लानिंग में भी बहुत ही अड़चन पैदा करती है। अगर ऐसा डिजीज को देखा जाए तो सिस्ट, आयुर्वेद में इसको अर्बुद कहा गया है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है ना। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जो आपकी रुकावट पैदा कर रही है साइकिल का या साइकिल को होने का, उसको हम एक अर्बुद के रूप में जो आपकी बॉडी में है उसको हम PCOD कहते हैं। PCOD हम कैसे ठीक कर सकते हैं और सिंपलीफाई कर हम अपने, इवन कि कुछ अगर लाइफस्टाइल चेंजेस ही लेके आए तो हम PCOD को कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला चेंज, आपको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए। जो आजकल कल्चर चल रहा है कि रात को काम लोग करते हैं सुबह सोते हैं, उसमें से आपको बाहर आना पड़ेगा। दूसरा, आप एक नियमित
जो अपना खाना खाते हैं उसका एक नियमित टाइम रखें, उस टाइम को ऊपर नीचे ना होने दें, क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो आपके लाइफस्टाइल और फूड हैबिट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तीसरा, आप अगर ये समझने की कोशिश करें कि वो पीसीओडी अक्सर किस तसीर को होता है, तो हम आयुर्वेद में उसको कफ व्याधि में मानते हैं, कफ और वात। तो जिस व्यक्ति का तसीर या बॉडी टाइप कफ वाला होगा, तो उसमें ये बॉडी में जल्दी होने के चांसेस पीसीओडी के होते हैं, मतलब कुदरती रूप से वो बॉडी जल्दी एक्सेप्टेड कर सकती है ऐसे रोगों को, एक्सेप्टेंस उसमें ज़्यादा है। तो आपको अपने बॉडी टाइप के विरुद्ध खाना पीना और रहना सहना करना चाहिए। वो कैसे, हम अगर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आयुर्वेद में एक टर्म यूज होती है, हेतु विपरीत चिकित्सा। हेतु मतलब कारण, कारण के विपरीत चलकर हम उस रोग का उपचार कर सकते हैं, और वो उपचार कुदरती होगा, साधारण होगा, और उसके लिए हमें कोई भी मेडिसिन्स की या ऐसी कोई भी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पीसीओडी बहुत देर से है और आपके साइकिल बहुत देर से डिस्टर्ब रहता है, तो मैं ये जरूर आपको राय दूंगा कि अभी फिलहाल जब आप भी इस चिकित्सा शुरू करें तो उसको मेडिसिन्स के द्वारा ही शुरू करें, धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में फूड हैबिट्स में चेंजेस लेके आए और फिर वो मेडिसिन्स को भी बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कुदरती नेचुरली ठीक हो जाएंगे और आपकी समस्या पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। जो फैमिली प्लानिंग आप अक्सर मैं देखता हूँ कि जो कपल्स हमारे पास आते हैं, वो फीमेल्स को पता भी नहीं होता कि उनको पीसीओडी है या ऐसी पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उनको फैमिली प्लानिंग में बहुत ही मशक्कत आती है। तो उसका उपचार अगर आप माने तो आयुर्वेद में बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा उपचार है। आप आयुर्वेद के रास्ते पे चलें और अपने रोग को पूर्ण रूप से ठीक करें। एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिजीज के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।